नमस्कार, मैं हूं बीएस सोलंकी और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर बीएसएस। हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर बीएसएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की ओएमआर शीट के बारे में। तो ओएमआर शीट को किस प्रकार से अच्छे से भर देना है, इससे ये होगा कि कोई भी गलती उसमें ना हो और हमारा एग्जाम जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो ओएमआर शीट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर हमने ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की गलती कर दी, तो मान लो कि आपने बहुत मेहनत की थी, मान लो कि आपका एग्जाम अच्छा गया था, लेकिन एक ओएमआर शीट के चलते आपका एग्जाम रद्द माना जाएगा, आप फेल माने जाओगे। तो इसलिए ओएमआर शीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा है, इससे पहले भी मैंने एक ओएमआर शीट के लिए वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आज फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, पास में बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, आपको इस प्रकार की एक ओएमआर शीट मिलती है, वहाँ पर सेम टू कॉपी इसी प्रकार की आपको एक ओएमआर शीट वहाँ पर मिलती है। तो उसके ऊपर ऊपर देखिए लिखा हुआ होता है उत्तर पत्रिका आंसर शीट, तो इसी को ओएमआर शीट कहा जाता है। अब इसके नीचे देखिए, आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखा रहा है रोल नंबर का, ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर भर देना है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे का रोल नंबर है यहाँ पर, वैसे बी, मैं यहाँ पर इससे आराम से इसको बी भर देना, बी 15 76 79। मान लो किसी का ऐसा एक रोल नंबर है, तो आपको इसके अंदर आराम से ये भर देना है। अब यहाँ पर जैसे ये देखिए, नीचे की साइड लिखा हुआ आ रहा है नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में। तो जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, जैसे भवानी, तो बी एच ए डब्ल्यू ए एन आई, ये लिख दिया। फिर स्पेस है तो स्पेस दे दो शंकर, तो यानी कि ये कैपिटल लेटर में आपको लिखना है ना, ये लिख दिया मैंने। देन क्या लिखना है, अपने पिताजी का नाम। तो जैसे आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखना है, तो मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सर, ये देखिए। तो इस प्रकार से आपने अपने पापा का नाम भी यहाँ पर भर दिया। पापा का नाम भरने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1 है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, इनके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं हम। मैं आपको दिखाता हूँ रूल्स, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। सबसे पहला रूल क्या लिखते हैं, केवल नीले काले बॉल पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। प्लीज डार्कन द कंप्लीट सर्कल। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगा कर दीजिए, जैसा नीचे दिखाया गया है। डार्कन ओनली वन सर्कल फॉर ईच क्वेश्चन एज गिवन बिलो। तो देखिए, अगर आपने मान लो कोई क्वेश्चन है, ओके, मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें आपने पहले तो भरा ए, ये देखिए पहले आपने भरा ए, ए को पूरा गोला कर दिया, फिर आपने कहा नहीं ए नहीं, इसका आंसर डी है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूरा फिर गलत माना जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, एक ही पर चूज करना है। जैसे कि लास्ट ये आप चेक कर सकते हो, इसने ना तो ए पर गोला किया, ना बी पर, ना सी पर, सिर्फ एक इस पर ही गोला किया है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, किसने पीछे वाला जो लास्ट वाला है डी, उस पर तो किया है इसने, गोला किया है, लेकिन ए जो था उसको इसने काट दिया ऐसे, तो ये भी गलत माना जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, उसने एक तो किया है रॉन्ग ऐसे, और फिर इसने राइट किया है, तो ये भी गलत माना जाएगा। चौथे में देखिए, इसने गोला तो किया है, लेकिन पूरे गोले को फिल नहीं किया है। मतलब कि मान लो कि मैं मेरा ये यहाँ पर एक प्रश्न है, मान लो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर है ए, तो अगर मैं ए को सिर्फ इतना ही भर के छोड़ दूँ, मान लो इतना ही, तो मेरा ये गलत माना जाएगा, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। मुझे क्या करना है, मान लो मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर बी है, तो मुझे बी को कंप्लीट ऐसे भर देना है, ये देखिए ऐसे, ये बी को कंप्लीट गोला कर देना है,
तभी ये मेरा उत्तर सही माना जाएगा। चलो मैं खैर इसके बारे में आपको अभी सारी जानकारी बताऊंगा। तो ये हो गया। अब इसने क्या कहा है, इस OMR उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है, रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन OMR शीट। मतलब कि रफ कार्य के लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है आप उस पर कर सकते हो, लेकिन इस OMR शीट पर किसी भी प्रकार का कोई रफ वर्क नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ओके आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर तो आपको सिर्फ शो कर रहा है, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पहले पेज में अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपने पापा का नाम इतना भरना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर आपको आना है पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 में क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जैसे कि मैंने पीछे क्या लिखा था, B15-76। तो यहाँ पर आपको लिखना है बी, यहाँ पर 15, यहाँ पर 76 और यहाँ पर 79, ये मैंने लिख दिया। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि कुछ ऐसा रोल नंबर होता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बी की जगह 8 कर देता हूँ मान लो, है ना, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई ऐसा रोल नंबर है नहीं। जो आपका है रोल नंबर आपको सिर्फ वही भरना है, तो मैं यहाँ पर बी की जगह मान लो 8 कर देता हूँ, ये 8 है ना। चलिए तो अब जैसे कि यहाँ पर 8 है, तो आपको इस में नीचे देखना है कि 8 कहाँ पर है। तो ये देखिए 8 यहाँ पर है, ये रहा, तो इसको 8 भर देना आपको यहाँ पर, यहाँ को पूरा गोल कर देना है। फिर देखिए 1, तो 1 के ऊपर आपको गोला कर देना है पूरा, है ना। फिर 5 है, तो 5 के ऊपर गोला कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें कोई गलती हो गई तो आपकी OMR शीट चेक भी नहीं होगी। फिर 7 है, तो 7 के ऊपर गोला कर देना है। फिर 6 के ऊपर गोला कर देना है। फिर जैसे 7 है, तो 7 कहां पर है, ये रहा, तो 7 के ऊपर गोला कर देना है पूरा, ऐसे, है ना, ये ऐसे पूरा हो गया। फिर 9 है, तो 9 के ऊपर पूरा गोला कर देना है, ये मैंने 9 के ऊपर भी गोला कर दिया, ये हो गया। अब देखिए यहां पर लिखा है मुख्य प्रश्न पुस्तिका मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। जैसे कि मेरे पास एक टेस्ट पेपर है, उसके ऊपर बुकलेट नंबर है क्या, मैं देख लेता हूँ, हाँ है। ये देखिए मेरे पास बहुत ही पुराना क्वेश्चन पेपर है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है, इसके ऊपर ये देखिए आपको भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, ऊपर की साइड कहीं पर लिखा होगा, ये देखिए 8395707, ये जो लिखा हुआ है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो इस सब चीजों को ध्यान में आपको रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप चेक करना है, सबसे पहला काम आपको क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है ए, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ए, तो ये अगर यहाँ पर ए है, तो ये का ये ए इस प्रश्न पेपर में यहाँ पर भी होना चाहिए, ये यहाँ पर जो ये है ना, यहाँ पर भी ए होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए नहीं है, तो आप हाथों हाथ ऊपर उठो और जो आपके वहां पर हैं उनको बोलिए कि सर देखिए यहाँ पर तो मेरे लिखा है ये और उसमें लिखा है ए, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर चेंज करके दे देंगे। अगर ये भी गलती हो गई तो भी आपका आप फेल हो सकते हो, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, 8395707, 8395707, तो मैं इसको भर देता हूँ, है ना, 8 3, ओके पेन बंद हो गया, चलो दूसरे वाला का, ये देखिए, है ना, दिख रहा है आपको, चलिए 8395707 आराम से इसको भर देना है, ये देखिए 8395707 इतना भर दिया। इसके बाद क्या करना है, जैसे ये यहाँ पर 8 है, तो नीचे से 8 को चूज कर लो, ये चलो 8 को चूज कर लिया मैंने। फिर 3 है, तो नीचे से 3 को चूज कर लिया मैंने। फिर 9 है, तो 9 को चूज कर लिया मैंने। फिर 5 को चूज कर लिया मैंने। फिर 7 को चूज कर लिया मैंने। यानी कि जो आपका बुकलेट नंबर है क्वेश्चन पेपर पर जो लिखा हुआ है, वो आपको सबसे पहले तो ऊपर वाले ये जो बॉक्स है इसके अंदर फिलअप कर देना है, फिर जो जो था उनके ऊपर गोले लगा लेने हैं। चलिए ये भी हो गया।
और ये जो है ये वाला जो कॉलम है ये वाला इस साइड वाला इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि यहां पर खुला लिखा है। देखिएगा मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहां पर खुला लिखा हुआ है कि टू बी फिल्ड बाई द इन्विजिलेटर, यानी कि जो आपके वहां पर एग्जामिनर आएंगे वो खुद आपको ये भर के देंगे। ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, सीधा सा अपना काम शुरू कर देना है, क्वेश्चन वाइज आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए पहले क्वेश्चन का ए था तो मैंने ए भर दिया था, इसका बी था, फिर मैं मान लो चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ, चौथे क्वेश्चन का ए है तो मुझे ए फिलअप कर देना है, ये पूरा गोला कर देना है। फिर मान लीजिए इसका बी है तो मैं बी कर देता हूँ यूं, ये फिर इसका मान लीजिए सी है तो मैं सी कर लेता हूँ, फिर इसका मान लो बी है तो मैं बी कर लेता हूँ, इसका मान लो डी है तो मैं डी कर लेता हूँ। यानी कि जो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उनके हिसाब से आप अपने आंसर शीट 80 क्वेश्चन तक सॉल्व कर देना आपको, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वहां तक। और यहाँ पर आपको अपने कर देने हैं साइन, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो भी आपके हैं साइन वो कर देने हैं, बस इतना काम आपको करके ये OMR शीट अपने एग्जामिनर को सौंप देनी है और यहीं से आपका काम खत्म होता है, आपका एग्जाम समाप्त होता है। OMR शीट को ऐसे ही भरना है, कोई भी गलती आप मत करना। ये तो मैंने आपको सिंपली बताने के लिए कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी ही नेक्स्ट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।